दर्शकों, जय हिंद ज्ञान मुद्रा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैंने हिंदी हैंडराइटिंग सुधारें सिर्फ 5 मिनट की वीडियो सीरीज चलाई है, जो हमारी हैंडराइटिंग में हमारे बच्चों की, कंपेटिटिव स्टूडेंट्स की, जो भी अपनी हैंडराइटिंग सुधारना चाहता है उसकी हैंडराइटिंग में जादुई तरीके से बदलाव आएगा। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको 100% विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग में ज़रूर बदलाव आएगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि क कैसे बनाते हैं, ख कैसे बनाते हैं, ग कैसे बनाते हैं, घ कैसे बनाते हैं, इं कैसे बनाते हैं। इसको प्रैक्टिस के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं, लिए चलती हूँ आपको हैंडराइटिंग सुधारे सिर्फ 5 मिनट मिशन के अंदर। चलिए अब मैं आज आपको चौ बनाना सिखाती हूँ। अब अमूमन बच्चे चौ कैसा बनाते हैं, छोटे की बात तो छोड़िए, बड़े भी कैसा चौ बनाते हैं वो भी दिखाती हूँ मैं। ये बन गया चौ। अब देखिए, अब मैं जो चौ बनाना सिखा रही हूँ उसको भी देखिए, नहीं ऐसा नहीं बनाएंगे चौ। देखिए ये तिरछा डंडा, इसके बीच से जाइए, डंडे के बीच से जाइए, हल्का सा ऊपर को जाइए, ये डंडा दे दिया, इसके बीच से जाइए और सीधा खड़ा डंडा पूरा ढक दें। हिंदी अक्षरों को जब तक आप पूरा नहीं ढकेंगे तब तक वो अच्छे नहीं दिखेंगे। आप खुद करके देखिएगा, ऐसा चौ बनाइए। एक्सक्यूज मी। अब छौ बनाने के लिए हम छौ में कोई बेस नहीं डालना पड़ता है। देखिए छौ बनाते हैं बच्चे, ये छौ बन गया, नहीं रॉन्ग गलत, छौ बनाते हैं ये पहला भाग छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, ये भाग छोटा, ये भाग बड़ा, और छौ के सामने आइए, छौ खुला रहता है, ये देखिए। फिर छौ बना करके दिखाती हूँ, ये पहला भाग छोटा, फिर बड़ा भाग, ये छौ खुला छोड़ दीजिए यहाँ पर, ये छौ। ऐसा छौ मत बनाइएगा, ऐसा छौ बनाइए। और छौ मुड़ेगा कहाँ से, बिल्कुल इस ग्रुप के सामने छौ को मोड़िए, ठीक है। अब मैं जौ बनाना सिखाती हूँ। जौ हम कैसा अमूमन देखने को मिलता है, हैंडराइटिंग ख़राब किससे होती है, जब स्वर व्यंजन और मात्राएं गलत दी जाती हैं। अब जौ कैसे बनाएंगे, जौ बनाएंगे, अब अमूमन कैसा बनाते हैं बच्चे जौ, ये जिसने बहुत ही अच्छा जौ बना दिया तो ये जौ है, नहीं इससे अच्छा जौ बना करके मैं दिखाती हूँ, उसकी टेक्निक सिखाती हूँ मैं आपको। देखिए तिरछा डंडा दे दिया, अब इस डंडे के टिप में, टिप को जल हल्का सा बैक ले जाइए, हल्का सा बैक आ जाइए, यहाँ छोड़ दीजिए इसके बराबर, देखिए सीधा डंडा दीजिए और पूरा ढक दीजिए। एक बार फिर जौ बना करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये दे दिया बैक, हल्का सा बैक आ जाइए और सीधा डंडा जौ, ऐसा जौ बनाइए, ऐसा जौ बनाइए। अब देखिए मैं झौ बनाना सिखाती हूँ आपको। झौ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है, ई बनाना सिखाया है मैंने पहले वाले वीडियो में, वो ही ई बनाइए, मोड़ दीजिए, मोड़ को जितना देंगे, जितना खींचेंगे मोड़ को, झौ उतना ई बन गया हमारा, ये हल्का सा बीच में हल्का सा इसको सपोर्ट दीजिए, झौ बन गया, पूरा ढक दें। अब यों बनाने की टेक्निक सिखाती हूँ। यों कैसा बनाते हैं स्टूडेंट, यों ये बन गया या यों, नहीं यों ऐसा नहीं, यों को बिल्कुल इतना सुंदर यों बनता है, आप देखिएगा। ये कीजिए पहला भाग छोटा, देखिए इसको मुड़ाइए, यहाँ तक लाइए, इसके आगे तक ले जाएंगे इसको, और बीच से हल्का सा डंडा दीजिए, हल्का सा डंडा, यों पूरा ढकिएगा यों। अब देखिए मैं टॉ बनाना आपको सिखाती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिखा करके छोड़ूंगी, आप सीख करके छोड़िएगा। देखिए अब मैं यों के बाद टॉ बनाना सिखाती हूँ। टॉ में बेस दीजिए, हल्का सा बैक आइए, जैसे कि हम टॉप उसमें ई में जाते थे, यहाँ छोड़ दीजिए इसके बराबर, इसकी सीट में पूरा ढक दीजिए। अब ठौ में टॉ को मिला दीजिए, देखिए ये बेस, ये टॉ बनाना सिखाया था, अब ठौ में पूरा मिला दीजिए, थोड़ा इधर भी प्लेस छोड़िएगा, इधर भी जगह ले लीजिएगा, पूरा ढकिएगा ठौ,
अब देखिए झ य ट ठ। अब मैं ड बनाना सिखाती हूँ, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये ई बनाना सिखाया था, ई बनाना, फिर मैंने इंग बनाना सिखाया था, ए ट ठ ड बन गया। और यहाँ ऊपर की तरफ लाइए हल्का सा, और सुंदर दिख जाता है। देखिए फिर ड, ये बेस, ये जाइए ऊपर की तरफ हल्का सा मुड़ा दीजिए, ये बन गया ड। अब गलत नहीं करेंगे आप लोग, देखिए। और लेकिन बच्चे ड कैसा बनाते हैं, ये ड, इस वाले पोर्शन को, इनको, इसको बढ़ाइए, फिर पीछे जाइए, फिर ऊपर आइए, ये ड ड। अब ये ड मत बनाइएगा आज से, और आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये डॉ बनाइए। अब ढ बिल्कुल सरल है, ट बनाइए। और एक चीज़ ढ में ध्यान दीजिए, जो मात्राएं बंद होती हैं लेकिन जब ये मोड़ होता है ढ का, ये हर हमेशा खुला होता है। अब देखिए झ य ट ठ ड ढ। अब मैं पढ़ाती हूँ अड़ों, बिल्कुल लंगड़ा होता है अड़ों, और ये एक भाग लंगड़ा दूसरा सीधा पूरा ढक दीजिएगा, अड़ों हो गया। अब देखिए मैं तो बनाना सिखाती हूँ, तो अमूमन बच्चे भी टीचर्स भी कैसा तो बनाते हैं, ये देखिए, ये तो हो गया, नहीं जी। अब देखिए सुंदर तो बना करके दिखाती हूँ मैं, देखिए हल्का सा तिरछा डंडा दीजिए, हल्का सा मोड़िए मोड़िए और अंदर को मोड़िए, ये देखिए ये पूरा ढक दीजिएगा, ये बन गया तो। फिर बना करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये बन गया तो, पूरा ढक दीजिएगा, हिंदी अक्षरों को पूरा ढकिएगा। देखिए ऐसा तो मत बनाइएगा, अब ऐसा तो बना दीजिएगा। अब एक्सक्यूज मी, अब मैं थौ बनाना सिखाती हूँ। देखिए अब थौ कैसे बनाएंगे हम, थौ के लिए ये सिर बना दिया, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा आइए, और यहाँ पर कर्व दीजिए, ये देखिए ये, और थौ के भी सिर में मात्रा नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है, देखिए तो थौ। अब दो हल्का बेस दीजिए, टो के जैसे आइए, देखिए काट दीजिए दो। अब देखिए दो बन गया, देखिए मैंने यहाँ से सिखाया आज, चौ छो, ये वाला बनाइए छो, फिर जो छो यो टो ठो डो ढो अणो तो थो दो। आज मैं, अब मैं को से लेकर के दो तक आपके सामने लिख करके दिखाती हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए को मैंने बताया था ओबल होता है, और इसकी टेल अंदर को पूरा ढकिए, को खो आधा गो, पूरा वो के बेस तक जाएगा खो। अब गो गो गो, इसको, इसके गो को कभी खुला मत छोड़िए, ये गो नहीं गो, देखिए बंद कीजिएगा इसको गो। फिर सिखाती हूँ, ये देखिए सीधा डंडा गो घो घो गो गो चौ, बीच से बताया था हल्का सा ऊपर को, ज़्यादा ऊपर को नहीं, चौ छो छो जो जो झो, ये जो को यहाँ तक लाइएगा, ये जो झो, ई बनाइए काट दीजिए, बीच से हल्का सा डंडा झो यो, एक ऊपर का भाग थोड़ा सा नीचे का भाग ऊपर के भाग से आगे जाएगा यो टो, इधर को लाइएगा फिर ले जाइएगा टो ठो डो, बिल्कुल ऊपर को ले जाइएगा डो ठो अणो तो
इधर को लाइएगा, मोड़ काटिएगा, तो थो दो, यहाँ तक मैंने आज आपको बता दिया। दर्शकों आप इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जो है हैंडराइटिंग, ये नहीं कि बच्चों की सुधारनी है, कोई भी हैंडराइटिंग में सुधार कर सकता है। इसके बाद मैं इनके जो है शब्द लिख करके आपके सामने दिखाऊंगी कि कैसे का कैसे शब्द बन जाता है, कैसे शब्द जो हम पहले लिखते हैं और कैसे बन जाता है। जैसे मैं सिर्फ एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कौ बनाना सिखाया, लौ बनाना अभी नहीं सिखा रखा, लेकिन मैंने जैसे कौ बनाना सिखा रखा, जैसे अब औ बनाना सिखा रखा। और मात्रा कैसे देते हैं, देखिए अगर हम कौवा लिखते हैं, कौ देखो एक स्वर व्यंजन और मात्रा, इनसे लेकर के हमारी हैंडराइटिंग बनती है। देखिए अब कौवा अगर लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ये 1 2 3, 1 2 3। देखो औ बनाना सिखाया है मैंने पहले वाले वीडियो में, देखिए एक कौवा लिख दिया हमने। अब एक बच्चा ये भी लिखता है कौ आ, ये भी लिखता है। लेकिन आज से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसा नहीं लिखेंगे, एक रिक्वेस्ट मानेंगे, ऐसा लिखेंगे। दर्शकों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास भी कोई नई नॉलेज हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो उसका रीज़न ज़रूर बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। जय हिंद, जय भारत।